सीएए को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यूपी के कई जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। लखनऊ संभल में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ करते हुए कई गाड़ियों में आग लगा दी थी। वहीं अब संभल में भी प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में आग लगा दी थी तो पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद कई जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तो गलत अफवाह और भड़काऊ खबरें ना फैले, इसके लिए लखनऊ, संभल, महू, आजमगढ़, प्रयागराज, बरेली, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, वाराणसी, जौनपुर में इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया है। तो एहतियात के तौर पर 24 घंटे के लिए ये इंटरनेट सेवाएं रोकी गई हैं। तो नागरिकता कानून को लेकर जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन का असर यूपी में साफ तौर पर देखने को मिला। हिंसक प्रदर्शन हुआ जहां सरकारी संपत्ति को, बसों को फूंका गया, तो वहीं वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई, पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद ये हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए 24 घंटे के लिए गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बरेली, प्रयागराज, संभल जैसे जिलों में इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। तो नागरिकता कानून पर देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो लखनऊ में काफी हिंसा भड़की थी, यूपी के 8 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया है।